मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चे को ऐसा संस्कारी बनाओ कि वो बच्चा धर्म, मैं मानता हूं देश से पहले धर्म है, जिस देश का धर्म श्रेष्ठ ना हो, जिस देश में धर्म सुरक्षित ना हो, वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, याद रखना। अगर देश को सुरक्षित रखना है तो धर्म को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर आप देश सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपके बच्चे धर्म को जानने वाले होने चाहिए। हमारा धर्म किसी को दुख नहीं देता। हमारा धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। सबको सुख दो, ये हमारा धर्म सिखाता है। हम किसी को मारना नहीं सिखाते, काटना नहीं सिखाते, लेकिन हम पर कोई आक्रमण करे तो, कोई रावण होगा तो राम हमारे घर से निकलेगा, कोई दुर्योधन होगा तो अर्जुन हमारे घर से निकलेगा। हमारे राम की कमी नहीं, हमारे अर्जुन की आज भी कमी नहीं है, आज भी है। दुर्भाग्य, हमारे माँ बापों ने हमें रामायण पढ़ना बंद कर दिया, हमारे माँ बापों ने हमें गीता पढ़ाना बंद कर दिया। वो माँ बाप, माँ बाप नहीं है, वो पापी है जो अपने बच्चों को रामायण और गीता से दूर रखते हैं, संस्कारों से दूर रखते हैं, वो माँ बाप बनने का योग्य नहीं। अरे ऐसी संतान है तो गधे, सुअर, बिल्ली, बंदर भी पैदा करते, क्या फर्क है तुम में और उनमें, उनका कोई धर्म नहीं है। वो माथे पे तिलक नहीं लगाते, वो किसी को प्रणाम नहीं करते, वो बड़ों का आदर नहीं करते, वो सबके सामने घुर्राते, क्या वो पशुओं वाले गुण हमारे बच्चों में नहीं है? क्यों है? क्योंकि रामायण से दूर है, गीता से दूर है, माँ बाप भी संस्कारों से दूर है। मम्मी पापा बनने का शौक है, लेकिन अपने बच्चों को मानव बनाने का शौक पालो पहले, तब मम्मी पापा बनने की जिद पालना। पहले बच्चों को मानव बना सको ऐसे गुण खुद में लाओ। मेरी नजर में देश से पहले धर्म है, ये मेरा ओपिनियन है। जिस देश का नागरिक धर्मात्मा नहीं होता, वो न देश की रक्षा कर सकता, न अपने बड़ों का आदर कर सकता। राम धर्मात्मा थे तो देश के अच्छे शासक थे, उन्होंने अपने राज्य में किसी को दुख नहीं दिया, क्योंकि वो धर्मपरायण थे। आप बताओ आपका बच्चा कैसा होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जवाब दो, होना चाहिए कि नहीं? कहां से होगा, लाए तो होने का दम है, तुम सिखाओगे नहीं, हमसे सिखवाओगे नहीं, कहां से होगा तुम्हारा बेटा धर्मात्मा? हमसे, हमारे पास आए तो ना सिखावे हम, अब हम तुम्हें धर्मपरायण बना देंगे। आज चौथा दिन है और छह पांच दिन बचे, पांच दिन कंटिन्यूस आप कथा सुनते रहे, हम गारंटी से कहते हैं आपके जीवन में बदलाव आएगा, ये कथा बदल देगी आपको। एक दिन वालों की गारंटी नहीं, जो एक दिन आए और सुन के चले गए, बोले आज राम प्राकट्य चलते हैं, कल दर्शन नहीं दोगे, उनकी कोई गारंटी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को धनवान न बना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्मवान अवश्य बनाकर रखना, क्योंकि धर्मवान अपने आप धन अर्जित कर सकता है। अगर धर्मवान नहीं है तो कितना भी धन इकट्ठा कर दो, वो नष्ट करने में देर नहीं लगाएगा।